नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लगातार बिहार में क्राइम का ग्राफ रेट बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष के जो नेता हैं उनके बीच आपसी सियासी भिड़ंत होना शुरू हो चुका है। जरा सुनिए बिहार के मंत्री और आरजेडी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं इस पर। अपराध और कानून व्यवस्था दोनों दो चीज है। अपराध होना और उस पर कार्रवाई करना इस सरकार की जिम्मेवारी है और हमने उसमें बहुत अच्छा काम किया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित हुआ है, अपराध में कमी आई है और कानून व्यवस्था अव्वल बहुत अच्छा है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो भारत सरकार का गृह मंत्रालय का रिपोर्ट कर रहा है कि हमारी क्या स्थिति है और अन्य राज्यों की क्या स्थिति है। घटनाएं घटती है, हम चिंतित हो जाते हैं, मर्माहत भी रहते हैं, लेकिन घटनाओं पर पकड़े जाए दोषी और उनको कार्रवाई करके जेल भेजा जाए, जेल भेज करके फिर न्यायालय की शरण में जाकर उनको सजा दिलाया जाए, ये जिम्मेदारी है सरकार का। उसमें अच्छा काम भाई, सरकार कार्रवाई नहीं करती है, कानून अपना एक बना हुआ है कि अपराध करेंगे तो उसको अपराधी होंगे, दोषी होंगे, गिरफ्तार करेगा। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री का हर अपराधी के साथ फोटो आ जाता है। आप देखिएगा कि छपरा में जो घटना है, एक दो सिपाही शहीद हुए थे, उनकी जो मुख्य अभियुक्त बनी है, जो वहाँ की नगर अध्यक्ष है, उनके हस्बैंड के साथ उनका फोटो है। कहीं मुजफ्फरपुर में बालिका गृह के साथ फोटो है, कभी अनंत सिंह जी के साथ हाथ जोड़ते हुए फोटो है, कभी सुनील पांडे के साथ फोटो है, कभी धूमल सिंह के साथ फोटो है। तो अपराध का नियंत्रण कहाँ से होता है? अपराध को प्रमोट सरकार कर रही है, ऐसे वैसे व्यक्ति को अपने पास रखती है जो अपराधी चरित्र के लोग हैं। तो ये बेकार बात है कि कि अपराध जो है दूर होगी, अपराध ऐसे दूर नहीं होगी। अपराध सही मायने में दूर करना है तो अपने पुलिस व्यवस्था को जब तक इन लोग तब्दीली नहीं करेंगे, अफसरशाही देश में हावी है, कहीं किसी को न्याय नहीं मिलेगा, तो अपराध के सिवा रास्ता कहाँ है लोगों के पास? एक नली गली के लोग हत्या कर देते हैं, तो आप मूलतः चीज़ देखते नहीं कि अपराध क्यों हो रहा है। बेरोजगारी है, लोगों के पास काम नहीं है, सरकार के द्वारा सिर्फ अफसरशाही के सिवा कुछ नहीं है, तो अपराध के सिवा इन लोगों के पास कोई कारण नहीं, अपराध बढ़ेगा। आपने दोनों के बयान को सुन लिया है। लगातार जो क्राइम का ग्राफ रेट बढ़ता जा रहा है उस पर बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक ये कह रहे हैं कि सरकार किसी को नहीं बख्शती है, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर आरजेडी के विधायक ये मांग कर रहे हैं कि आखिर क्राइम का ग्राफ रेट क्यों बढ़ता जा रहा है। लगातार समीक्षा बैठक हो रही है, नीतीश कुमार की सरकार कर रहे हैं, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और आला अधिकारी जितने हैं वो भी मौजूद रहते हैं, फिर भी क्राइम पर कंट्रोल क्यों नहीं पाया जा रहा है? क्या क्राइम पर कंट्रोल पाया जाएगा या ये सियासी बयान ऐसे ही आते रहेंगे, राजनीति होती रहेगी बिहार में? आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।